हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटेक चैनल, ईटेक ट्यूटोरियल्स फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक जाफरी डिज़ाइन बनाएंगे जिसके हमारे पास साइजेस भी मौजूद हैं और उसके हमारे पास डिज़ाइन भी मौजूद है, लेकिन ये डिज़ाइन हम एक पिक्चर से वेक्टर ट्रेसिंग के थ्रू बनाएंगे। आइए देखते हैं डिज़ाइन हमारे पास कौन सा मौजूद है, ये वाला, और उसके बाद हमारे पास जो साइजेस हैं वो मौजूद हैं ये। तो इस साइजेस की हमने जो है जाफरी जाली डिज़ाइन करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आगे चलते हैं एस्पायर ओपन, इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें हम यहाँ से अपनी साइजेस देख लेंगे। तो हमारे पास कुछ ये साइजेस मौजूद हैं। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड शीट साइज़ 48 इंचेस बाई 96 इंचेस, इस साइज़ की हमारे पास आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48 बाई 96 पहले से मौजूद है और उसकी थिकनेस भी हमारे पास वेरिएबल होती है, 0.5 या 0.75 या 1 इंच तक इसमें आती है। तो इसको हम ओके करेंगे। अब हमने अपनी स्टैंडर्ड शीट में से ये साइज़ हमने काटने हैं और उसकी साइज़ में हमने अंदर अपनी डिज़ाइन ऐड करनी है। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास है 29 बाई 47, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह, और जिस कोने से अगर हमें इसके रेफरेंसेस लेने हैं तो एंकर पॉइंट वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कोने से मुझे इसकी साइज़ चेंज करनी है विद रेफरेंस टू ये डायरेक्शन और ऊपर वाला डायरेक्शन, तो इन दोनों डायरेक्शन में मेरे पास अब विड्थ चेंज होगी। अगर मैं ये सेंटर सेलेक्ट करता तो सेंटर से ये साइड इस तरफ भी जाती, इस तरफ भी जाती और अप एंड डाउन जाती, तो इसलिए मैंने अगर ये कोना सेलेक्ट किया है तो ये इस तरफ मूव होगी। सो इसकी साइज़ में चेंज करते हैं, हमें साइज़ चाहिए 29 बाई 47। यहाँ पर आते हैं 29 बाई 47 अप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ से ही ये इलोंगेट हो गया, बड़ा हो गया और इसकी साइज़ ये बन गई 29 बाई 47। अप्लाई करेंगे और क्लोज करेंगे। अब हमारे पास डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है वो है, इसको हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे एस्पायर में यहाँ पर, और इसको डबल क्लिक करके इसकी यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए रिसाइज़ करेंगे। शिफ्ट को होल्ड करने से ये बिल्कुल सेंटर से हर साइड पे इक्वली रिसाइज़ होगा। अगर हम इसको ऐसे बड़ा करेंगे तो एक कोने से होगा। आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पे खाली क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसमें फेडिंग आ गई, तो उसके लिए हम इसको क्लिक करके राइट क्लिक में जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से इसकी फेडिंग जो है वो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ट्रेस बिट मैप, इसमें हम जाएंगे। ट्रेस बिट मैप के ऑप्शन से हम इसके जो भी कलर्स हैं वो ट्रेस कर सकते हैं। फॉर सपोज़ हमने ये क्लिक किया तो अब जो कलर रेड हो चुका है उसकी हमें लाइन्स बनके मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे जाके इसको प्रीव्यू किया, आप देख सकते हैं इस तरह अब इसकी में लाइंस शो हो रही हैं, तो इस तरह हमारी डिज़ाइन पूरी की पूरी ट्रेस हो रही है। अब हम अगर वाइट कलर्स भी ट्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास वाइट कलर्स में वो ट्रेस हो रहे हैं, प्रीव्यू करें लाइन्स हमारे पास सेम ही आएंगी, जाहिर सी बात है, पर थोड़ा फ़र्क होगा कि वो वाइट कलर को ट्रेस कर रहा होगा। ब्लैक इसमें मुझे अपनी डिज़ाइन में ज़्यादा प्रेफर अच्छा फील हो रहा है तो मैं उसको ही जो है वो सेलेक्ट करूँगा। प्रीव्यू आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, अप्लाई करेंगे क्लोज। अब जैसे हमने अप्लाई कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइंस आ चुकी हैं जो वेक्टर लाइंस के थ्रू हमारा डिज़ाइन अब ट्रेसिंग हो चुकी है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से मूव कर लेते हैं। अब देखिए हमारी लाइंस यहाँ पर आ गई, हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। अब हमने अपने डिज़ाइन को इसमें एडजस्ट करना है, यहाँ पे आते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मूव करेंगे इसको। अब हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू हमारे रेक्टेंगल की साइज से, तो हम राइट नाउ इसको हम बॉर्डर देते हैं, ऑफसेट करेंगे इसको 1 इंच का, इसमें हम बॉर्डर दे देंगे इनवर्ट ऑफसेट। अब ये 1 इंच का बॉर्डर आ चुका है। डिज़ाइन के लिए हम अपने इस बॉर्डर के अंदर की रेंज का हम साइज़ लेंगे। अब हमारे पास ये साइज़ है 27 बाई 45,
मतलब इसकी विड्थ 27 है, तो हमारे डिज़ाइन की भी हमें 27 ही चाहिए। डिज़ाइन को अनग्रुप करेंगे इस तरफ और हमने इसके आउटर बॉर्डर को डिलीट कर लेना है। रीफिट, सारा डिज़ाइन हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन से इनको अनसेलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसकी हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, तो इसको हमने लिंक करे हुए यहाँ से हमने इसको 27 कर देना है। अप्लाई, अब ये 27 का यहाँ पे सेट हो गई। अब हमने इसको एडजस्ट करना है अपने डिज़ाइन के अंदर, उसके लिए इसको हमने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद हमने अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर हमने इसको अलाइन करना है। अलाइन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ से इसको नीचे से टच करना है और इस तरफ इससे टच करना है। ये हमारी डिज़ाइन अब इसमें फिट हो चुकी है। फिट के अलावा अब हमारे पास ये डिज़ाइन कुछ एक्स्ट्रा है जो बाहर है, इसको आप सिंपली अनग्रुप करके एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दोगे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमारी अंदर से रिमूव हो रही हो तो उनको आप छोड़ दोगे। इसको हमने कर लिया डिलीट। अब इनके लिए हमारे पास जो टूल मौजूद है, ट्रिम ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हम इसको आउटर लाइंस को ट्रिम कर देंगे। अब हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हुए क्लियर आउटसाइड बाउंड्री करेंगे। अब आउटसाइड लाइंस होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। अब देखें इस तरह, अब हमें इस बॉर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारे पास जब मशीन की कटाई होगी तो ये पीस हमारा इस तरह एक अच्छी जाफरी के फॉर्म में बन जाएगा। अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, उसके लिए हम इसकी थिकनेस देखते हैं। हमारे पास इसकी थिकनेस है 0.5 इंचेस, ताकि जब इसका प्रोग्राम बने तो उसकी थिकनेस की गहराई के हिसाब से हम कटिंग करें। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ में, उसके लिए हमारे पास ये यहाँ पे प्रोफाइल टूल पाथ मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वो टूल सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल भी हो और हमने यहाँ पे जितनी भी बारीकी में काम करना है उस बारीकी में वो टूल आराम से जा सके। फॉर सपोज़ यहाँ से सबसे छोटी जगह 0.2 इंचेस है, तो हमने टूल उस हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। 0.2 इंचेस तकरीबन 3 mm बनता है, तो हमने 3 mm का टूल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर 3 mm का टूल मौजूद नहीं है तो उसमें हम यहाँ पे जाके सिंपल 3 प्रेस करके अप्लाई करेंगे और ओके सेलेक्ट कर लेंगे टूल को। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है कि जितनी थिकनेस में हमें कटाई करनी है वो सेलेक्ट करनी है। कट डेप्थ हमारे पास 0.5 और हमने इस पर 0.1 दे दिया ताकि हल्का सा आर पार हो जाए। उसके बाद ये हमारे पास पासेज हैं कि ये 2 स्टेप्स में काटेगा, और हमने यहाँ पर वो वेक्टर सेलेक्ट कर लेने हैं जिनकी हमने कटाई करनी है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये बॉर्डर है और दूसरी ये डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन की कटाई अंदर से करनी है और बॉर्डर की कटाई बाहर से, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद हैं कि इनसाइड, आउटसाइड या ऑन कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इनसाइड कटिंग करते हैं, उसमें हमने ये सब वेक्टर सेलेक्ट कर लिए और कैलकुलेट ओके प्रेस करेंगे। जैसे कैलकुलेशन होती है तो हमारी इस तरह ये टूल पाथ जनरेट हो जाता है, उसको हम सिमुलेट भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इस तरह हमारी कटाई होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके दूसरा प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है और उसमें हमने सेम मेथड पे जाते हुए आउटसाइड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट प्रेस करना है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारा ये पाथ यहाँ से भी हमें कट करके देगा और हमारा पीस कुछ इस तरह रेडी हो जाएगा।